नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक खास पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए स्कूल परिसर में शहीद पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पहल की शुरुआत आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय विद्यालय से की गई। रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शहीद पार्क का उद्घाटन किया। इस शहीद पार्क में देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बता दें कि इस पार्क के जरिए न सिर्फ स्कूली छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम किया जाएगा बल्कि उन्हें उसकी जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम की तारीफ करते हुए इस पहल की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस तरह की प्रयोग दिल्ली के अन्य स्कूलों में भी किए जाने चाहिए। तुम तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चे को वो चाहे इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, क्लर्क बनना चाहता हो, एसी मैकेनिक बनना चाहता हो, थोड़ा सा हम इतना नहीं कर सकते कि किसी की ईगो क्लैश हो गई हमारी, चलो ईगो बाद में देख लेंगे, पहले देश को देख। बच्चे को वो चाहे इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, क्लर्क बनना चाहता हो, एसी मैकेनिक बनना चाहता हो या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सबको कट्टर देशभक्त बनाया जाएगा। सबके सब देशभक्त, देश के लिए जान देने के लिए तैयार होंगे, वैसे नागरिक को तैयार किया जाएगा। तो आज देशभक्ति पार्क बनने के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से पूरे समाज को साथ लेके ये पार्क बनाया गया और अवधेश जी की एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की लीडरशिप और पूरी की पूरी टीम यहाँ की बहुत इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी स्कूल भी इसको। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। राघव चड्ढा ने कहा कि एक बार फिर पंजाब अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने पंजाब को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पंजाब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है। इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने पंजाब की सरकार को, पंजाब के प्रशासन को एक गंदा मजाक बना दिया। इस सत्ता की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो हमारे पंजाब सूबे की आवाम का हुआ। मैं आज आप सबसे ये विनती करता हूँ कि अब सब मिलकर एकजुट होकर पंजाब की बेड़ी पार लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ने हर बार की तरह एमसीडी चुनाव से पहले हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगे जाएं। बीजेपी शासित पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने चौहान बागड़ स्थित मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मंदिर को तोड़कर बिल्डिंग खड़ी करने की मंजूरी दे दी है। चौहान बागड़ स्थित 100 साल पुराने मंदिर पर बोर्ड लगाया गया है कि इस मंदिर की जगह पर ईडीएमसी ने बिल्डिंग बनाने का नक्शा पास कर दिया। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जब षड्यंत्र का पर्दाफाश कर भाजपा को एक्सपोज कर दिया तो हमारे सभी पार्षदों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सिर्फ चौहान बांगड़ में नहीं हो रही है, ये दिल्ली में दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके में भी की गई। दिल्ली का ओखला विधानसभा एक इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे एक इलाका है जौहरी फार्म्स और नूर नगर, वहां पर भी ठीक इसी पैटर्न पर एक पुराने मंदिर को ढहाकर एक बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ। एसडीएमसी को बार बार कंप्लेंट दी गई कि यहां पे मंदिर की इमारत को तोड़ा जा रहा है, आप इसको रोकिए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो भाजपा के अंदर आता है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप सोचिए ऐसा क्यों है?
कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, भाजपा शासित नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, भाजपा शासित दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में बाल कल्याण समितियों की ओर से आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विभाग बाल विकास विभाग के तहत कई योजनाओं के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए विभाग ने यह शिविर लगाए हैं, जिसमें लाडली योजना, विधवा पेंशन, दिल्ली परिवार लाभ योजना और विधवा बेटी विवाह योजना आदि का लाभ उठाने में लोगों की मदद की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण महिलाओं को कई सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की सहायता हो सके। दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान के तहत पिछले 7 साल में 1,70,00,000 पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण अभियान के चलते दिल्ली के ग्रीन एरिया में बढ़ोतरी हुई है और ग्रीन एरिया दिल्ली के कुल एरिया का 21.88% हुआ है। दिल्ली सरकार प्रदूषण खत्म करने के साथ सभी वन्य जीवों पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से दिल्ली सरकार इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेगी। वृक्षारोपण का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पौधों के द्वारा पर्यावरण को बेहतर करने के लिए जो एक नेचुरल बैलेंस सिस्टम विकसित होता है, उसके लिए सरकार पिछले 7 साल से लगातार काम कर रही है। आज हमने वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें इस साल के लिए हमने 33,00,000 पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा हुआ है। उधर दिल्ली पूर्वी नगर निगम के सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे का आलम यह था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष के पार्षदों ने सदन में तोड़फोड़ की। इस पर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी सहित आपके सभी 17 पार्षदों को 15 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। नगर निगम की बैठक में रार, बीजेपी और आप में तकरार, सदन में हंगामा और तोड़फोड़, गुत्थम गुत्था तक पहुंची नौबत, आपके 17 पार्षद निलंबित। सोमवार को दिल्ली में पूर्वी नगर निगम के सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नौबत बीजेपी और आपकी महिला पार्षदों के बीच गुत्थम गुत्थी तक पहुंच गई। विपक्षी पार्षदों पर आरोप है कि उन्होंने वेल में आकर दस्तावेज फाड़े और महापौर का घेराव किया। वह इस पर कार्रवाई करते हुए महापौर ने आपके नेता विपक्ष सहित 17 पार्षदों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बैठक में हंगामा हुआ क्यों? दरअसल सदन की बैठक शुरू होते ही निगमायुक्त विकास आनंद ने 1 महीने की रिपोर्ट और कहा कि रिपोर्ट 0 है, तो नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। आपके पार्षद महापौर के पास वेल में चले गए। विपक्षी पार्षदों के वेल में आने पर नेता सदन सत्यपाल सिंह ने उन्हें अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा, तो विपक्ष के सभी पार्षद आक्रोशित हो गए। इस पर बीजेपी पार्षद उनके साथ भिड़ गए। क्या बड़ा शर्मनाक हादसा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि कई पार्षद अपना इस तरह नीचे गिरा लेंगे कि सारे मर्यादा को खत्म कर देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है और महापौर की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। हम लोग सदन के अंदर चाहते थे कि चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो। एक तो मंदिर वाला मामला, जिस मंदिर की जमीन पे प्लॉटिंग की गई है,
उस पर जब हम चर्चा करवाना चाहते थे तो वो चर्चा से भागना चाहते थे, हम बात करना चाहते थे भ्रष्टाचार पर। बहरहाल आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह से सदन में हंगामा होता रहेगा तो फिर मुद्दों पर चर्चा और काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। बढ़ते आगे, पूर्वी दिल्ली के वार्ड 56E में प्रदीप निर्मल ने दिल्ली सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाया, जिसमें काफी लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। इस कैंप में आए लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अब घर घर जाकर छोटी छोटी जांच शुरू कर दी है। इस योजना की लोगों ने जमकर तारीफ भी की। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रही है, तो ऐसे ही अब दिल्ली सरकार ने लोगों को घर घर जाकर उनकी कोविड-19 की जाँच शुरू कर दी है। वहीं इसी के साथ बुजुर्ग लोगों की BP, शुगर, अन्य जाँच सहित लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ भी दी जा रही हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी की अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्रदीप निर्मल ने बताया कि वार्ड 56E में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसी को लेकर दिल्ली सरकार इस बार ये कैंप लगा रही है। दिल्ली पुलिस में कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। जहां दिल्ली पुलिस के थानों का स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को संभाल रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले का पेट्रोलिंग स्टाफ भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। नॉर्थ जिले की DCP उषा रंगनानी ने जिले की कमान संभालते हुए सभी कर्मियों की बात को सुनते हुए, जिसमें कर्मी अपनी ड्यूटी की सुचारू रूप से निभा सकें, इसको लेकर देखते हुए थाना मुखर्जी नगर SHO करण सिंह राणा, थाना महेंद्रा पार्क SHO संजय कुमार और थाना मॉडल टाउन SHO दिनेश कुमार की सक्रियता नजर आई। तो 3 थानों के पेट्रोलिंग स्टाफ ने 5 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 चोरी की स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 2 चाकू बरामद किए। बात नजफगढ़ की करते हैं, तो नजफगढ़ के खैरा मोड़ पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल हो गया। इस घटना की एक CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुंडेला के रहने वाले टिंकू को कैसे बीच सड़क पर गोलियां मार दी गई। वारदात उस समय हुई जब टिंकू अपनी I-20 कार से जा रहा था, तभी कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक करके टिंकू को रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायर किए गए, जिससे मौके पर ही टिंकू की मौत हो गई। टिंकू मंजीत महाल गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसकी लंबे समय से नंदू गैंग में अदावत चल रही थी। इस हत्या के पीछे भी पुलिस नंदू गैंग का हाथ मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो गैंगवार लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही है। आपने रोहिणी कोट में गैंगवार देखा और अब ये तस्वीरें हम आपको नजफगढ़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। CCTV वीडियो भी सामने आया है, युवक की मौत हो गई है। संजीत महल गैंग से ये मृतक जुड़ा हुआ था, गैंगवार की आहट है। पुलिस उसी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हत्या की वारदात से ही हमला किया गया था। जब टिंकू अपनी I-20 कार से जा रहा था, तभी उसे घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसकी मौत हो गई। नॉर्थ दिल्ली के थाना सराय रोहिला की इंद्रलोक चौकी इंचार्ज प्रवीण शर्मा और उनकी टीम ने रॉबरी के मामले को चंद घंटों में सुलझाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल इंद्रलोक चौकी में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता अभिषेक ने बताया कि जब वो अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उससे चाकू के दम पर लूटपाट की, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए ACP राकेश त्यागी और SHO शीशपाल की निगरानी में चौकी इंचार्ज प्रवीण शर्मा और उनकी टीम ने मामले में तहकीकात शुरू की और कुछ ही घंटों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को राखी मार्केट की झुग्गी जखीरा से गिरफ्तार कर लिया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर देश का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जहां दिल्ली के पर्यटन से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ऐप लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां पर्यटन से संबंधित एक ऐप बनाया गया। इसकी मदद से आप अपने आसपास स्थित ऐतिहासिक और मनोरंजन वाले स्थलों की जानकारी ले सकेंगे। सीएम ने कहा कि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मजबूती होगी, इसके अलावा बड़े पैमाने पर नौकरियां भी इससे पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी से ऐप डाउनलोड करने की अपील करते हुए कहा कि इसमें आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप दिल्ली में रहकर अभी तक नहीं देख पाए होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे लिए यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि हमारी तरफ से यह एक निमंत्रण है कि आइए और हमारी दिल्ली को देखिए। कोई भी दिल्लीवासी या जो भी टूरिस्ट दिल्ली आते हैं, हमारे देश के टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट, वो इस ऐप के जरिए अपना टूर प्लान कर सकते हैं। दिल्ली में वो कहाँ जाना चाहते हैं वो प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई टिकट खरीदना चाहते हैं कहीं की, वो टिकट खरीद सकते हैं। सारे ईटिंग जॉइंट्स इसके अंदर हैं, ऐतिहासिक जॉइंट्स इसके अंदर हैं, ऐतिहासिक प्लेसेस जितनी हैं, जितने फन प्लेसेस हैं वो सारे इसके अंदर हैं, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस इसके अंदर हैं। तो आप अपना पूरा टूर प्लान कर सकते हैं इसके ज़रिए। आप अगर कहीं खड़े हैं, आपके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप। चांदनी चौक से बीजेपी के निगम पार्षद रवि कप्तान एक बार फिर बने इन पावर कमेटी के चेयरमैन। जी हां, रवि चेयरमैन बनते ही उन्होंने घोषणा किया कि जल्द ही दिल्ली के सभी 50 गज के मकानों को हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आने वाले हाउस में इस प्रस्ताव को लाकर दिल्ली की जनता को राहत देंगे। इस प्रस्ताव से दिल्ली के लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो 50 गज के मकानों में रहने को मजबूर है। भी कमर कस रखी थी, अब और ज़्यादा कस ली। कुछ सुविधाएं हम जल्दी जो हमने अनाउंस किए हैं, जिसका प्रपोजल हमारा आया है, एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे कॉरपोरेशन का जो नेतृत्व उसने लिया है कि दिल्ली में 50 मीटर के जो हमारे मकान हैं उन सभी का हाउस टैक्स हम माफ़ करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें जो कमियाँ रह गई जो उसको हम जल्दी से पूरा करके बहुत जल्दी इसकी घोषणा हम कर देंगे और दिल्ली वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लगभग आधी दिल्ली, आप ये समझ के चलिए कि आधी दिल्ली 50 मीटर के। दिल्ली लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।